जन सरोकार मंच टोंक के इस कार्यक्रम पाती अपनों की में मैं नेहा शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर नेगी जी, डॉक्टर मीना जी, श्री अशोक जी और श्री देवेंद्र जी तथा जन सरोकार मंच टोंक के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे फेसबुक लाइव के माध्यम से यहाँ पर पत्र वाचन करने का सुअवसर प्रदान किया। आज सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी के दौर में पत्र लिखना मानो समाप्त हो गया है। बचपन का वह समय कभी कभी याद आता है जब डाकिया अपनों की चिट्ठी लेकर आता था और सभी कितनी उत्सुकता से उसे पढ़ा करते थे। पत्र जैसी बात कहीं और है भी नहीं। मैं समझती हूं जब हम अपने मोती रूपी शब्दों को धागे रूपी भावनाओं से पिरोते हैं तब जाकर एक सुंदर माला रूपी पत्र तैयार होता है और उसके द्वारा अपनी बात को कहना और समझना अन्य किसी और माध्यम से नहीं किया जा सकता। पाती अपनों की मुहिम द्वारा पत्र लेखन की लुप्त होती कला को बचाने के लिए डॉक्टर नेगी जी को तहे दिल से धन्यवाद। और मैं जो पत्र पढ़ने जा रही हूँ वो मैंने अपनी एक मित्र को लिखा है, अपनी एक सहेली को लिखा है। जब शुरू हुआ था पाती लेखन, पिता के नाम पत्र, बेटी के नाम पत्र, तब मुझे पता चला था, मेरी मेरी सासू माँ भी साहित्य जगत से जुड़ी हुई हैं, वो मुझे कहती रहती थी कि तुम लिखो, लेकिन समय के भाव के कारण मैं लिख नहीं पाई। लेकिन हाँ, जब मित्र को पत्र लिखना था तब भी मुझे पता चला, लेकिन तब भी मेरा रहता चला गया। जब लास्ट डेट आई तो कुछ इस तरह से सिचुएशन आ गई कि मुझे अभी आपको लिखूं, पत्र सुनाऊंगी तो पता चलेगा कि पत्र अपने आप ही लिखा गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यह पत्र है मेरी मित्र के नाम, मेरी मित्र है कल्पना। प्रिय कल्पना, कल तुम्हारी माँ से फोन पर बात हुई और उन्हें तुम्हारे लिए चिंतित देखकर मैं आज यह पत्र लिख रही हूं। जो भी मैं तुम्हें समझाना चाहती हूं वह शायद एक पत्र के माध्यम से ही व्यक्त कर पाऊंगी। बचपन से लेकर कॉलेज तक हम दोनों साथ रहे, खाने पीने से लेकर पढ़ाई और अपनी सभी बातों से हम एक दूसरे को शामिल करते थे। फिर भी आज तुम मुझसे अपने दिल की बात नहीं कह पाई, इसका मुझे दुख तो है, परंतु शायद गलती मेरी भी है, जो मैं भी अपनी व्यवस्था, दो छोटे बच्चों के कारण तुमसे बात नहीं कर पा रही थी। आखिरी बार तुम्हारी शादी पर ही मिली थी मैं तुमसे। हाँ, 8 महीने हो गए जब मेरी गुड़िया होने वाली थी। बस उसके बाद तो चलो छोड़ो, गिले शिकवे तो सहेलियों में चलते रहते हैं, परंतु पति पत्नी में ज्यादा दिन इन्हें नहीं चलने देना चाहिए। कल मुझे आंटी जी ने बताया कि तुमने और गिरीश ने अलग होने का फैसला लिया है। यह सुनकर तब से तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कल्पना, तुम दोनों ने 4 साल एक दूसरे को जानने के बाद आपस में शादी करने का निर्णय लिया और अभी तो तुम्हारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। गिरीश एक अच्छा लड़का है। हाँ, जैसा तुमने बताया कि कभी कभी ऑफिस के तनाव में घर में गुस्सा कर देता है, तो वह तो स्वाभाविक ही है। कॉलेज के समय पर भी तो तुम लोग खूब लड़ते झगड़ते थे, पर तुम्हारी कभी दोस्ती टूटी थी क्या? शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां और बहुत सी बातें होती हैं पति पत्नी दोनों के लिए, परंतु उन सभी को पूरा करने के साथ साथ आपस में दोस्ती को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। कल्पना, तुम्हें याद है इंटर कास्ट शादी के कारण तुम्हारे पिताजी भी आसानी से शादी के लिए नहीं मान रहे थे, परंतु तुम्हारे दृढ़ निश्चय और तुम्हारी आंखों में गिरीश के लिए प्यार और विश्वास देखकर उन्होंने कुछ समय उपरांत तुम्हें
तुम्हारी शादी खूब धूमधाम से खुशी खुशी कर दी। देख बहना, प्रत्येक घर के अलग रीति रिवाज होते हैं। खाने पीने के तरीके से लेकर बोलने तक के तरीकों में अपने आप को ढालना एक नई मेहमान यानी कि एक लड़की की ही जिम्मेदारी होती है, और उसे अपने आप को नए वातावरण में ढालना ही पड़ता है। सभी का दिल उसी को ही जीतना पड़ता है, सभी तो उसके लिए अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे, है ना? जानती हो, शादी से पहले मुझे जो सब्जियां पसंद थी ना, वह मेरे ससुराल में किसी को पसंद नहीं है। और हाँ, अगर पसंद भी है तो वह बिल्कुल एकदम अलग तरीके से बनती है। परंतु धीरे धीरे मैं भी उन्हें भूल गई, और जब अब पीहर जाकर यहाँ के नए राजस्थानी तरीके से सब्जियां बनाती हूँ तो मम्मी पापा तो बहुत खुश हो जाते हैं। कल्पना, पति पत्नी का रिश्ता बहुत अनमोल होता है, और फिर अगर ये रिश्ता नया नया है तो एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय लगता है। जल्दबाजी में कभी भी अपने मन में किसी भी नकारात्मक विचार को नहीं आने देना चाहिए। हाँ, अगर आपस में किसी बात को लेकर कोई असहमति है तो मौका देखकर, ध्यान रखना, मौका देखकर अपनी भावनाओं को दूसरे से अवगत कराना चाहिए, और जरूर कराना चाहिए। ये याद रखना, पति पत्नी के नाजुक रिश्ते को हर रिश्ते की तरह अगर प्यार की डोर से सींचा जाए तो रिश्तों की बगिया महक उठेगी। कल्पना, तुम्हें याद है जब हम वनस्थली में एक साथ पढ़ाई किया करते थे? हाँ, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर कॉमन रूम में, तो तुम कैसे अपने नए नए तरीकों से हर सवाल को सॉल्व कर देती थी। एक सॉल्यूशन के साथ उसको नए तरीके से दूसरा सॉल्यूशन भी निकाल देती थी। हर सेमेस्टर में केवल अव्वल ही नहीं आती थी, अपितु सभी से अपने नोट साझा करके सभी को पढ़ाई में मदद किया करती थी। खेल कूद, योगा, पढ़ाई, सभी में तुम्हारा अनुशासन काबिले तारीफ था। और हाँ, याद है तुम्हें घुड़सवारी में तुम कैसे हमेशा अव्वल आती थी? एनुअल फंक्शन पर, जो आपा जी का एनुअल फंक्शन हुआ करता था, वहां पर तुम्हारी एक नहीं दो दो तीन तीन परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं तुम्हें अपनी फेवरेट स्टूडेंट मानते थे, और सबसे अच्छी बात, इतना सब होते हुए तुम कितनी डाउन टू अर्थ थी, तुम कितनी शांत चित थी, तुम कितनी प्रसन्न थी। और हाँ, वार्डन जीजी जो हमारी हुआ करती थी, उनकी तो तुम फेवरेट थी, याद है ना तुम्हें? एक बात और याद आई, हॉस्टल के तो हर रूम में जब चार चार लड़कियां होती थी तो कितनी लड़ाइयां होती थी। रोजाना किसी ना किसी रूम में लड़ाई होती थी, तो सब तुम्हारे पास आते थे और तुम कैसे चुटकियों में पलक झपकते ही उसे सुलझा देती थी। और एक तो बहुत जरूरी बात है, वनस्थली में हमने कितने फंक्शन अटेंड किए, सभी फंक्शन में हमारे प्रिय दादा सभी बच्ची बच्चियों को क्या कहते थे? खुश रहो और सभी को खुश रखो। और सही मायने में यही जीवन का मूल मंत्र है, हम सभी को खुश रखकर स्वयं खुश रह सकते हैं। हमेशा याद रखना कल्पना, जीवन की गाड़ी एक पहिए पर कभी नहीं चलती, दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। हाँ, रास्तों पर गड्ढे जरूर आएंगे, हर रास्ते पर गड्ढे, पर संतुलन बनाकर चलना पति पत्नी दोनों का ही काम है। अब प्लीज, तुम और गिरीश आपस में दो जो भी तुम्हारे गिले शिकवे हैं सबको भुला दो और उन्हें तुरंत खत्म कर दो। अरे अरे, ये क्या, मेरी गुड़िया की आवाज आई, उसे भूख लगी होगी शायद, अब मुझे चलना है। पर तुम मेरी इस मेल रूपी पत्र का जवाब जरूर देना, और कृपा करके अपना निर्णय बदल लेना। अगर लॉकडाउन ना होता तो मैं तुमसे मिलने जरूर आती। आशा करती हूँ कल तुम और गिरीश मुझे वीडियो कॉल जरूर करोगे। तुम्हारे जवाब
और तुम्हारी फोन की प्रतीक्षा में तुम्हारी सहेली। तो दोस्तों, ये था मेरा पत्र। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। मुझे पत्र नहीं लिखना था अपने मित्र को, लेकिन ऐसा हुआ कि आंटी का फोन आया और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात हो गई, और उधर से वहां पाती मित्र को भी लिखना था। तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं उससे फोन पे बात करूंगी तो अपनी बात अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी, क्यों ना पत्र लिखकर ही कर दूं। तो मैंने उसे पत्र लिखा और साथ ही अपना पत्र पाती मित्र में भी भेज दिया गया। क्योंकि ये सिर्फ एक कल्पना की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा होता है, जो समझ नहीं पाती, किसी से शेयर नहीं कर पाती बात। अगर वो सुन रही हैं तो वो समझ जाएंगी। और हाँ, आपसे एक और बात बताना चाहती हूँ। मैंने तो ये पत्र उसे मेल कर दिया, और इसके कुछ दिनों बाद याद आया, वो दिन था 2 अगस्त। उस दिन मित्रता दिवस भी होता था, होता है हर साल, मित्रता दिवस चेंज होता है। संडे 2 अगस्त को मित्रता दिवस था। शाम को 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी, और दरवाजा खोलने पर कल्पना और गिरीश को खड़े पाया देखकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। मेरे लिए वो दोनों फूलों का गुलदस्ता लेकर आए थे। यह क्षण मेरे लिए बहुत ही अनमोल था। धन्यवाद।